नाइन्थ क्लास के एक्सरसाइज 7.2 का सॉल्यूशंस देखते हैं। देखिए, पहली बात तो इन सॉल्यूशंस को जब आप देख रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि बस आप इसको कॉपी करके लिख लिए और आपका आंसर निकल गया तो आप समझ जाएं कि आप सीख गए, ऐसा नहीं होता। आप इन सॉल्यूशंस को देखेंगे, सीखेंगे, जो मैं समझा रहा हूँ उसको पहले समझिए और समझने के बाद इसको अपने वर्ड्स में लिखिए। हाँ, फिर अगर कोई डाउट आ जाता है बीच में तो फिर आप उस सॉल्यूशंस को चेक कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा फॉलो कीजिए, ये नहीं कि आप बस उतारते गए और लिखते गए आंसर्स, वो हेल्पफुल नहीं होगा आपके लिए। पहले क्वेश्चन में आ जाते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी विद ए बी इज इक्वल टू ए सी, द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट इच अदर एट ओ। तो बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट इच अदर एट ओ लिखा हुआ है, इसलिए मैंने एंगल बी और एंगल सी का बाइसेक्टर बना दिया जो ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। और लिखा हुआ है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, ये भी दिया हुआ है। जो बाइसेक्टर्स हैं वो भी गिवन में मैंने लिख दिया है। टू प्रूफ को देखिए, मैंने जो लिखा, जो प्रूफ करने के लिए बोला था, मैंने टू प्रूफ में वही लिखा है। अब आ जाते हैं प्रूफ पे। ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन, अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा। ये जो पूरा एंगल है ये इस पूरे एंगल के साथ बराबर हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये थ्योरम आपके बुक में दिया हुआ है, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो ये दोनों साइड्स अगर इक्वल हैं तो इसके ऑपोजिट में ये एंगल है और इसके ऑपोजिट में ये एंगल है, तो दोनों एंगल जो है बराबर हो जाएंगे। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी हो गया। अब अगर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी होगा तो एंगल बी का आधा, मतलब एंगल बी बाई टू इज इक्वल टू एंगल सी बाई टू होगा। ये यहाँ पे लिखा है मैंने, इसको आप नंबर वन कर दीजिए, रिफ़र करेंगे इसको आगे के आंसर्स में। अच्छा, एंगल बी बाई टू का मतलब क्या है? ये आपका एंगल बी है तो उसका आधा ये एंगल होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि बी ओ जो है एंगल बाई सेक्टर है। एंगल बाई सेक्टर होने से ये जो एंगल है, एंगल ओ बी सी, ये एंगल बी का हाफ होगा। तो एंगल बी का हाफ हो गया एंगल ओ बी सी, एंगल सी का हाफ हो गया एंगल ओ सी बी, क्योंकि इस रीज़न है बी ओ एंड सी ओ आर एंगल बाई सेक्टर्स, इस कारण से ओ बी इज इक्वल टू ओ सी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ओ बी इज इक्वल टू ओ सी? देखिए, जैसे एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल हो रहा था, वैसे साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पे ये दोनों एंगल्स को मैंने इक्वल साबित कर दिया। अब जैसे ही ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए तो इन ट्राइंगल ओ बी सी में देखिए, इन ट्राइंगल ओ बी सी साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल इन ट्राइंगल ओ बी सी। तो इन ट्राइंगल ओ बी सी में देखिए, इस एंगल के ऑपोजिट में ओ बी है और इस एंगल के ऑपोजिट में ओ सी है, तो इसलिए एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी होने के कारण ओ बी इज इक्वल टू ओ सी हो गया। हमको प्रूफ करना है ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल है, तो ये जो ए ओ है ये एंगल ए को बाइसेक्ट करता है, ये एंगल ए है इसको बाइसेक्ट करता है, ये हमको प्रूफ करना है। सेकंड में आ जाइए, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ए ओ सी, दोनों ट्राइंगल को मैंने ले लिया, बहुत ईजी है। ये ए ओ बी है और ये ए ओ सी है, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूंगा। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए मैंने पहला चीज़ लिया ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ये हमने फर्स्ट में प्रूफ किया था, तो मैंने लिख दिया इसमें प्रूफ्ड इन फर्स्ट बिट। ए बी इज इक्वल टू ए सी दिया हुआ है गिवन में, सेकेंड बिट सेकेंड पार्ट भी हो गया। अच्छा, हमने ऊपर प्रूफ किया था, मैंने मार्किंग की थी फर्स्ट, उसमें मैंने प्रूफ किया था एंगल बी बाई टू इज इक्वल टू एंगल सी बाई टू, ये हमने फर्स्ट मार्किंग की थी, मैंने वहाँ से रेफरेंस लिया इसका। और एंगल बी बाई टू होगा क्या? अच्छा, ये एंगल एंगल बी बाई टू होगा ना, क्योंकि वही रीज़न है कि बी ओ इज एंगल बाई सेक्टर ऑफ एंगल बी, तो इसलिए एंगल बी का आधा जो है ए बी ओ हो जाएगा। वैसे एंगल सी का आधा हो जाएगा एंगल ए सी ओ, हाफ एंगल सी का ए सी ओ हो जाएगा, कारण वही है बी ओ एंड सी ओ आर एंगल बाई सेक्टर्स। इस डेट इज़ वाई बाय द रीजन ऑफ एस ए एस वी कैन से दैट ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए ओ सी, ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए ओ सी। अब जैसे ही कॉन्ग्रुएंसी हो गई तो हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों एंगल्स जो हैं सी पी सी टी से इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल बी ओ इज इक्वल टू एंगल सी ओ बाई सी पी सी टी, और सी पी सी टी से अगर इक्वल हो गए तो मैं बोल सकता हूँ कि ए ओ इज एंगल बाई सेक्टर ऑफ एंगल ए। नंबर टू क्वेश्चन पढ़ते हैं, दिया हुआ है इन ट्राइंगल ए बी सी ए डी इज परपेंडिकुलर बाई सेक्टर ऑफ बी सी, उसका फिगर दिया हुआ है फिगर 7.3, आप देख लीजिए उसको। और दिया हुआ है सो डेट ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो गिवन है ए डी इज परपेंडिकुलर बाई सेक्टर ऑफ बी सी लिख लिया है। टू प्रूफ ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये दोनों को इक्वल प्रूफ करना है।
प्रूफ में आ जाते हैं। तो जो चीज़ दिया हुआ है, गिवन ए डी इज़ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, ए डी इज़ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, इससे समझ में क्या आता है? इससे ये समझ में आता है कि एंगल ए डी बी, ए डी बी ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल जो हैं 90 डिग्री हो जाएंगे। तो एंगल ए डी बी इज़ इक्वल टू एंगल ए डी सी इज़ इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, ये चीज़ प्रूफ हो पता चल गया। और दूसरी चीज़, क्योंकि बाइसेक्टर लिखा है तो हम बोल सकते हैं कि बी डी और सी डी बराबर होंगे, तो बी डी इज इक्वल टू सी डी। मैं इसको रेफरेंस के लिए वन लिख दिया, दोनों ही चीज़ों को मैंने वन लिख लिया। जब मैं रेफ़र करूँगा तो मैं इनको फ्रॉम वन करके रेफ़र कर सकता हूँ। आ जाते हैं सेकेंड, अभी इसी क्वेश्चन में जब मैंने प्रूफ कर दिया कि बी डी इज इक्वल टू सी डी, मैं कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करूँगा इस दो ट्राइंगल का, ठीक है। इसको मैं ट्राइंगल वन ले लिया, पहला ट्राइंगल, और ये मेरा सेकंड ट्राइंगल है, तो ये दोनों ट्राइंगल का मैं कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करूँगा। कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए मैंने लिखा ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए डी सी, बी डी इज इक्वल टू सी डी ये फ्रॉम वन आएगा, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू ए डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री ये भी फ्रॉम वन आएगा, एंड ए डी इज इक्वल टू ए डी, ए डी जो है कॉमन दिख रहा है आपको, कॉमन है ए डी इज इक्वल टू ए डी, तो ये दोनों ट्राइंगल मेरे क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। तो ट्राइंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए डी सी, जैसे ही कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया तो मैं बोल सकता हूँ कि ए बी जो है ए सी के बराबर आएगा, यही प्रूफ करना था हमको फाइनली, ए बी इज इक्वल टू ए सी। सो ट्राइंगल ए बी सी इज ए आइसोसेलस ट्राइंगल। नंबर थ्री पे आ जाते हैं, क्वेश्चन एक बार पढ़िए, वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन पढ़िए। ए बी सी इज एन आइसोसेलस ट्राइंगल इन विच अल्टीट्यूड्स बी एंड सी एफ आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स। तो जो दिया हुआ है इसमें कि बी ई और सी एफ अल्टीट्यूड्स हैं, अल्टीट्यूड्स का मतलब ये होता है कि बेसिकली ये 90 डिग्री बनेंगे, ठीक है। परपेंडिकुलर जो ड्रॉ करते हैं उसी को अल्टीट्यूड्स बोला जाता है, तो बी ई और सी एफ अल्टीट्यूड्स हैं। और दिया हुआ है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन में है, तो गिवन में ए बी इज इक्वल टू ए सी, सी एफ परपेंडिकुलर टू ए बी और बी ई परपेंडिकुलर टू ए सी, ये तो मैंने लिख दिया। और प्रूफ करना है कि बी ई सी एफ आपस में इक्वल हैं, दोनों अल्टीट्यूड्स आपस में बराबर हैं, ये प्रूफ करना है। तो प्रूफ में आ जाते हैं, ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन। तो ए बी अगर ए सी के बराबर होगा तो मैं कह सकता हूँ एंगल ए बी सी एंगल ए सी बी के बराबर होगा, रीज़न वही है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो इसलिए ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल जो हैं बराबर हो गए, ठीक है। इसको मैं रेफरेंस में लूँगा बाद में, तो मैंने इसको वन मार्किंग किया है। अब आ जाते हैं, मैं ये दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रहा हूँ, इन ट्राइंगल बी एफ सी एंड ट्राइंगल सी ई बी, बी एफ सी और सी ई बी, ये दोनों ट्राइंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाली ट्राइंगल, पहली वाली और दूसरी ये वाली ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रहा हूँ। बी सी इज इक्वल टू बी सी कॉमन है, कोई बात नहीं, चलते हैं आगे। बी एफ सी और सी बी बराबर हैं, बी एफ सी और सी ई बी बराबर है 90 डिग्री, क्योंकि ये दिया हुआ है परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, तो ये दिया हुआ है, गिवन लिखा है मैंने इसलिए इसे यहाँ पे। और हमने ये ऊपर मैंने पहले ही दिखा दिया है कि एंगल ए बी सी जो है एंगल ए सी बी के बराबर होगा, तो मैंने ये फ्रॉम वन लिखा है इसको इसलिए, ठीक है। जब मैंने ये तीन रीज़न दे दिए तो मैं कह सकता हूँ कि ट्राइंगल बी एफ सी और ट्राइंगल सी ई आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट हो जाने से बी ई और सी एफ, बी ई और सी एफ जो है सी पी सी टी से इक्वल प्रूफ हो जाएंगे। नंबर फोर, छोटा सा सॉल्यूशन है, फिगर वही है, क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए, आगे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे ऊपर का नंबर फोर जो है क्वेश्चन नंबर थ्री का एकदम रिवर्स है, क्वेश्चन नंबर थ्री में जो दिया हुआ था क्वेश्चन नंबर फोर में उसको प्रूफ करना है। तो हमको प्रूफ करना है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, इसमें गिवन है कि बी इज सी एफ, बी ई सी एफ के इक्वल है, और ए बी बी ई और सी एफ जो हैं अल्टीट्यूड्स हैं, इसलिए बी ई परपेंडिकुलर टू ए सी, सी एफ परपेंडिकुलर टू ए बी, जो नंबर थ्री में हम लोग किए थे। टू प्रूफ स्टार्ट, टू प्रूफ में वही वगैरह वगैरह सब दिया हुआ है, ट्राइंगल ए बी ई, ट्राइंगल ए बी ई ये वाली ट्राइंगल ए सी एफ के साथ कॉन्ग्रुएंट है, ए सी एफ मतलब ये वाली ट्राइंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये हमको प्रूफ करना है। और ए बी इज इक्वल टू ए सी अपने आप प्रूफ हो जाएगा सी पी सी टी से। तो आ जाइए, ट्राइंगल ए बी ई इज एंड ट्राइंगल ए सी एफ, जो दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है वो दोनों को आप लिख लीजिए। अच्छा, दोनों में क्या क्या बराबर हो रहा है, बी ई इज इक्वल टू सी एफ गिवन है, एंगल ए बी इज इक्वल टू एंगल ए एफ सी 90 डिग्री
ये भी गिवन है, परपेंडिकुलर जो दिया हुआ है ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, उस कारण से ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। और ये जो एंगल है ये आप से देख सकते हो कि दोनों ही ट्रायंगल में ये कॉमन है, तो इसलिए एंगल ए इज इक्वल टू ए कॉमन एंगल हो गया। ये तीनों चीज़ जब मैंने लिखा तो उसके कारण ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी एफ बाय ए ए एस रूल। और जब ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो सी पी सी टी से मैं कह सकता हूँ कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, क्वेश्चन मेरा प्रूफ हो गया। नंबर फाइव पे आ जाइए, एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। नंबर फाइव क्वेश्चन पढ़ लिए तो फिगर वगैरह मैंने वैसे ही बना लिया जैसा आपका दिया हुआ है बुक में, और इसमें दिया हुआ है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी दिया है, बी डी इज इक्वल टू सी डी दिया है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, बी डी इज इक्वल टू सी डी। ठीक है, कोई तोप वाली चीज़ नहीं, सबसे आसान आंसर है इसका। ए बी अगर ए सी के बराबर होगा तो मैं कह सकता हूँ कि ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी हो गया पहला, मैंने रेफरेंस दे दिया नंबर वन का। और बी डी और सी डी आपस में बराबर हैं, अगर ये दोनों बराबर होंगे तो ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर हो जाएगा, तो इसलिए मैंने लिख लिया है एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एंगल डी सी बी, क्योंकि बी डी सी डी के बराबर है एंगल, वही रीजन वही है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब ये दोनों रेफरेंसेस को मैंने ऐड कर दिया, फिर दोनों इक्वेशंस को मैंने ऐड कर दिया है, तो एडिंग वन एंड टू वी गेट ए बी सी प्लस डी बी सी, ये दोनों एल एच एस को ऐड किया और ये दोनों आर एच एस को ऐड किया, ए सी बी प्लस डी सी बी। जब मैं ऐड किया, क्योंकि आपने एग्जाम्स पढ़ा होगा इक्वल्स कैन बी एडेड टू इक्वल्स टू गेट इक्वल्स, तो वही एग्जाम से ये हो रहा है। तो ए बी सी प्लस डी बी सी, ये दोनों एंगल्स को ऐड करने से मेरा बनता है ए बी डी, और ये दोनों एंगल्स को ऐड करने से मेरा बनता है ए सी डी, हैंस प्रूव्ड। नंबर सिक्स पे आ जाइए, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। नंबर सिक्स दिखने में लगेगा थोड़ा डिफिकल्ट है, क्या जो लोग जिनको ज्योमेट्री तकलीफ देती है उनको हर एक क्वेश्चन डिफिकल्ट ही लगता है, तो इसको आ जाइए। दिया हुआ है ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलस ट्रायंगल इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो ये जो ट्रायंगल है ये वाली ट्रायंगल ये आइसोसेलस है, ए बी और ए सी बराबर हैं आपस में। उसके बाद लिखा है साइड बी ए इज प्रोड्यूस टू डी सच डेट ए डी इज इक्वल टू ए बी, फिर दिया हुआ है बी ए इज प्रोड्यूस, तो मैंने इस तरह इसको खींच दिया, बी ए को जो है ना पहले मैंने ये बनाया था, उसके बाद मैंने इसको खींच दिया और इतना खींचा कि तो नहीं ए डी और ए बी बराबर हो जाए, तो ये दोनों को मैंने बराबर कर दिया। और फिर मैंने पूरा सी डी को भी ज्वाइन कर दिया, तो ये सारी चीज़ें बेसिकली जो क्वेश्चंस में लिखी थी उस तरह से करके फिगर बनाया। गिवन ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू ए डी हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि दिया हुआ है कि ये दोनों बराबर हैं, और तो ये बेसिकली आपस में तीनों, और फिगर में देखिए सब में सीधी लकीर दी हुई है, तो ये तीनों दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू ए डी। हमको ये प्रूफ करना है कि ये जो एंगल है बी सी डी, बी सी डी ये जो एंगल है ये 90 डिग्री होगी, ये प्रूफ करना है अपने को। प्रूफ में आ जाइए, लेट द एंगल्स बी मार्क्ड एज शोन इन द फिगर, ठीक है, इसका मतलब मैंने इसको एंगल वन मार्क किया, इसको एंगल टू मार्किंग किया, इसको एंगल थ्री मार्किंग की, इसको एंगल फोर मार्किंग किया है, उस तरह से। पहला चीज, क्योंकि ये है ऐसा, तो फिर ए डी इज इक्वल टू ए सी मैंने लिखा, ए डी और ए सी को मैंने बराबर दिखाया। जब ए डी और ए सी बराबर हो जाएंगे तो एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू हो जाएगा, ठीक है ना, ये कौन से ट्राइंगल में हो रहा है, इन ट्राइंगल ए डी सी, ट्राइंगल ए डी सी में ये हो रहा है कि ए डी ए सी के बराबर है, इसलिए एंगल वन एंगल टू के बराबर हो जाएगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। वैसे ही इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है ना, ये कौन से ट्राइंगल में हो रहा है, इन ट्राइंगल ए बी सी में देखिए क्या हो रहा है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल थ्री विल बी इक्वल टू एंगल फोर, रीजन वही है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो मैंने डबल लकीर देके उसी को रिपीट किया, ये दोनों भी आपस में बराबर हो गए। अब हमको पता है कि एक ट्रायंगल में सम ऑफ द एंगल्स 180 डिग्री होता है, तो मैंने 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, क्योंकि ये 2 प्लस 3 एक एंगल है, तो मैंने 2 प्लस 3 को अलग अलग लिखा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 का सम हो जाएगा 180 डिग्री। ये 180 डिग्री हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी के कारण। हमको पता है कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, तो मैंने इसको 2 एंगल 2 कर दिया, ये दोनों को ऐड किया, बेसिकली एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो जाएगा, तो ये 2 एंगल 2 हो गया ये दोनों मिलके।
और एंगल 3 के बराबर है एंगल 4, तो इसलिए मैंने ये दोनों को भी ऐड कर दिया। इसको 4 की जगह मैं एंगल 3 लिख सकता हूँ, और 3 एंगल 3 एंगल प्लस 3 दोनों 2 एंगल 3 बन जाएगा, तो ये इतना हो गया 180 डिग्री। इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो आपको मिल जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या है? एंगल 2 प्लस एंगल 3 है एंगल BCD, BCD, तो एंगल BCD आपका 90 डिग्री हो गया। प्रूफ। अगले दो क्वेश्चन नंबर 7 और नंबर 8 दोनों ही आसान है इस एक्सरसाइज में। अगर क्वेश्चन पढ़ लीजिए नंबर 7। तो मैंने फिगर बना लिया, फिगर दिया नहीं हुआ है तो फिगर मैंने अपने से बनाया। फिर इसमें दिया हुआ है कि एंगल ए इज इक्वल टू 90, तो एंगल ए इज इक्वल टू 90, ए बी इज इक्वल टू ए सी दिया हुआ है, तो ये दोनों इक्वल दिया हुआ है, ए बी और ए सी दिया हुआ है कि, और कुछ नहीं, बस हमको अब फाइंड करना है इसमें, इसमें प्रूफ करने का क्वेश्चन नहीं है, ये फाइंड करने का है। हमको फाइंड करना है एंगल बी और एंगल सी कितना होगा। ए बी इज इक्वल टू ए सी है तो उस नाते से एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा, क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हो गए, ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। दोनों को मैंने, दोनों का वैल्यू मैंने एक्स मान लिया। अब हमको पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री होगा, तो इस कारण से एंगल ए प्लस एक्स 180 डिग्री, क्योंकि एंगल बी और एंगल सी की जगह मैंने एक्स और एक्स लिख दिया, तो एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल ए का वैल्यू हमको पता है 90 डिग्री है, और ये दोनों को ऐड किया तो 2x 180 डिग्री, 2x को सॉल्व किया तो हमारा एक्स का वैल्यू आ गया 45 डिग्री, इसलिए एंगल बी और एंगल सी होता है 45 डिग्री। आसान सा आंसर था ये। फाइनल क्वेश्चन नंबर 8, ये भी बड़ा आसान है। हमको ये दिखाना है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लिया, सारे एंगल बराबर हैं, इसलिए ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी गिवन में आ जाएगा, और हमको ये प्रूफ करना है कि तीनों एंगल्स जो हैं 60 डिग्री होंगे। ठीक है, प्रूफ में आ जाइए। प्रूफ में ऑब्वियसली मैंने तीन सेट बना के लिखा, ए बी इज इक्वल टू ए सी एक बार लिखा, ए सी इज इक्वल टू बी सी एक बार लिखा, ए बी इज इक्वल टू बी सी एक बार लिखा, और जब मैं ये लिखता हूँ तो मैं इससे कह सकता हूँ कि एंगल बी और एंगल सी बराबर होंगे, एंगल बी और एंगल ए बराबर होंगे, एंगल सी और एंगल ए बराबर होंगे। तीनों के लिए रीज़न एक ही है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। बार बार दोहराने की चीज़ नहीं है, ये आप समझ सकते हैं, बड़ा इजी सा आंसर है इसका। अब जब ये हो गया तो हमें कह सकता हूँ एंगल बी, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी जो है बराबर हो जाएंगे। अब बराबर तो हो गए लेकिन 60 डिग्री होंगे ये हम प्रूफ नहीं किए अभी तक, और 60 डिग्री प्रूफ करने के लिए बहुत ही आसान है, आप भी समझ सकते हैं अभी, कि अगर तीनों को ऐड करूँगा तो 180 डिग्री होगा। एंगल बी और एंगल सी के बदले में मैंने लिख दिया एंगल ए, तो ऐड कर दूंगा तो ये हो जाएगा 3 एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो एंगल ए इज इक्वल टू 180 बाय 360 डिग्री। इस कारण से एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज 60 डिग्री, हैंस प्रूव्ड।